आज का जो टॉपिक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर में जो इससे पहले एक बार एक तो वीडियो छोड़ा था मैं, फायर स्टार शॉर्ट हो गया था, अचानक हाई वोल्ट होके इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर को ट्रिप कर दे रहा था, ठीक है। उसी का अभी सॉल्यूशन हो रहा है। अभी हम लोग SCR का जो थायरिस्टर का जो SCR है उसको हम लोग खोले हैं। तो ये मेरा 6 नंबर फील्ड का था, ठीक है, ये 6 नंबर फील्ड का था। तो इसी को अभी खोले हैं, दिखाते हैं प्रैक्टिकली टेस्ट करके जो थायरिस्टर कहाँ से शॉर्ट हुआ है, ये SCR कहाँ से शॉर्ट हुआ, तब जाके ये हाई वोल्ट हो रहा था। जैसे ऑलरेडी हम लोग एक बार इससे पहले एक ठो वीडियो अभी दिया था, फिलहाल दिया अभी एक तो वीडियो जो SCR चेंज, ठीक है, थायरिस्टर शॉर्ट हो गया था तो उसको SCR चेंज कर दिया है, ठीक है। उससे पहले हम बना लेता तो ये लगा हुआ अवस्था में हम टेस्ट करना चाहता था कि लगा हुआ अवस्था में हम कैसे टेस्ट करें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो टर्मिनेशन है इसको खोलना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये जो SBR को जा रहा है, ये तो थायरिस्टर से आ रहा है, ठीक है, ये SBR को जा रहा है, इसको डिसकनेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए, इसमें कोई केबल लगा हुआ नहीं है, ठीक है। अभी और इधर से भी जो आइसोलेटर से मेरा ये मेन इनकमर आ रहा है ये वाला, इसको भी खोल के इसको अलग कर देना है थायरिस्टर से। और दूसरा नंबर जो SCR का दो वायर है, कैथोड और एनोड, जो मैंने गेट के लिए वो जो गेट पास के लिए जो वायर दो गो आता है, तो इधर मेरा SCR 1 SCR 2 दो गो SCR लगा हुआ है, तो इसको भी ओपन मैं इधर से नहीं किया है, इसको फायरिंग किट से मैं इसको अलग कर दिया है। ये देखिए, ये फायरिंग किट से मैं अलग कर दिया, ये SCR 1 का है, ये SCR 2 का है, ये 7-10 जो है फ्यूल नंबर, ये SCR 1 है, और 9-11 वो SCR 2 का है, ठीक है। फायरिंग डबल में होता है, फायरिंग डबल में होता है, तो हम इधर से इसको डिसकनेक्ट कर दिया, इसका मतलब किसी से कोई अभी टर्मिनेट नहीं है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करके देखते हैं। पहले मैं देखूंगा किससे, नौ कैथोड और गेट से, ठीक है, कैथोड और गेट से देखेंगे, वो डायोड में कॉन्टिन्यूटी का जो रेंज है उसी में मीटर में रखेंगे। तो देखिए, अभी जो व्हाइट वायर आ रहा है ये गेट से आ रहा है, ये गेट और ये कैथोड है, ठीक है, इसमें 29 दे रहा है। अगर इसका भी एक फॉर्मूला है, 14 ओम से 40 ओम का बीच में कोई भी रहेगा तो अच्छा है, लेकिन ये ब्रीप नहीं होना चाहिए, इस टेस्ट में इसे ब्रीप नहीं होना चाहिए, अगर ब्रीप हो जाएगा तो ख़राब है, ठीक है। ये एक तो टेस्ट है, और इसका है ग्रेट, ये गेट है और ये है कैथोड, ठीक है। ये देखिए 28 दे रहा है, तो ये भी शॉर्ट नहीं है, ऐसे ब्रीफ होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैथोड और एंड में जो सिस्टम है, अभी बिना थायरिस्टर खुले हुए मैं दिखाता हूँ। ये मेरा एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ओके है, हैं। और इसको भी देख लेते हैं दोनों को, देखिए ये भी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रहा है, ठीक है। आप ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, बस डिसकनेक्ट करके ऐसे कर लेगा टेस्टिंग तो ओके माना जाएगा। अभी ख़राब वाला मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ जो यहाँ से निकला है, ठीक है। लगा हुआ अवस्था में मैं टेस्ट करने के लिए मैं इसको लगा दिया, नया वाला चेंज करके, ये है पुराना वाला, ये देखिए, ये है ख़राब वाला जो खुला गया था, ये गेट है, गेट में हम प्लस रखेंगे और कैथोड में माइनस रखेंगे। ये देखिए, पहले ड्रिप कर रहा है, ड्रिप का आवाज सुनेंगे, हाँ ड्रिप आ रहा है, ये रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। और एक बार एनोड और कैथोड से मैं दिखा देते हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये देखिए, ये संपूर्ण रूप में शॉर्ट हो चुका है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर मेरा हाई वोल्ट में ट्रिप हो रहा था, ठीक है। ये एक हो गया, और एक को दिखाते हैं, ये देखिए, और एक जो लगा हुआ था ये गेट में एक मारेंगे हम, और एक कैथोड में मारेंगे, ये देखिए ग्रिप हो रहा है, ये गेट ऑलरेडी खुल गया है, इसको नहीं खोलना चाहिए, बिना सप्लाई के नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, ये अभी संपूर्ण रूप में ये शॉर्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका गेट खुल चुका है, ये परसेंटेज में फायरिंग नहीं कराएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट करा देगा, ये अगर रुकता रेजिस्टेंस मेरा रहता तो ये धीरे धीरे इसको मैंने
फायरिंग करा था, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों लगा हुआ अवस्था में आप कैसे टेस्ट करेंगे वो तो देख लिए हैं। तो हेल्पफुल वीडियो है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।